हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th का डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है और आज का जो टॉपिक है ये इनवर्स डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा ही था, अब उसी में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैसे आप सॉल्व डिफरेंशिएशन को करेंगे। कई केस में तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है, कई केस में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चंस इसमें ले रखे हैं और सब्स्टिट्यूशन वाले भी क्वेश्चन ले रखे हैं। बाकी इनवर्स के फॉर्मूलों को बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो सकता है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग मिल कहां पर हैं, अपने शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट करना क्या है। ठीक है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि आप सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे वो तो किस चीज को लेकर के सब्स्टिट्यूट आप करेंगे। तो सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितनी छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कहीं पर भी आपको रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा लिखा हुआ दिख गया तो आप x के लिए क्या लिखेंगे, a cos थीटा। आप t भी कर सकते हैं cos थीटा या a sin थीटा भी बोल सकते हैं, या तो a cos थीटा कर लो या a। अच्छा मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, इसका भी रीजन है। जैसे x को तो a cos थीटा आप यहां लिखो तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन करोगे तो आउटसाइड आ जाएगा ये, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आ जाएगा sin, मतलब फर्दर सिंपलीफाई हो जाएगा ये, इसलिए हम लोग इस चीज को लेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं दिया जाए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग x को क्या लेट करेंगे, a sec थीटा और a cosec थीटा। अगर इसी तरीके से आपको कहीं मिल जाए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x की हम क्या करेंगे, a tan थीटा और a cot थीटा, या तो a tan थीटा कर लें या a cot थीटा। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं और भी अच्छे से लिख देता हूं, a tan थीटा और a। अच्छा अगर इसी में आ जाए मान लिया रूट ऑफ ए प्लस एक्स होल अपॉन ए माइनस एक्स, या मान लीजिए इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, यानी कि ए माइनस एक्स होल अपॉन ए प्लस एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, a sin थीटा और a cos थीटा। आपको ये चीज ध्यान देनी है, नहीं a cos थीटा ही लेते हैं, sin थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा टफ हो जाएगा उससे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। a cos थीटा भी कर सकते हो या इसको आप a cos 2 थीटा से भी कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप a cos 2 थीटा लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहां मान लीजिए a minus x square है, वो भी आप उसी तरीके से करेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर इनमें से कोई सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन करना है। कई केस में डायरेक्ट फार्मूले भी बनते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले को भी आपको ऑब्जर्व करना है कि फॉर्मूला तो नहीं बन रहा कहीं, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चन लूं, जैसे कि फर्स्ट वाला है क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए y मैंने लेट कर लिया, y इक्वल tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। मैं इसमें कोई कंडीशन से नहीं ले रहा हूं, बनने को तो बहुत सारी कंडीशन बनेंगे कि अगर 1 से लेस है तब क्या होगा, 1 से ग्रेटर, इस तरीके से, वो उन सारी कंडीशन को नहीं ले रहे, मैं सिंपल तरीके से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। जैसे कि आपको एक फार्मूला याद होगा tan 2 थीटा का, क्या होता है 2 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस। अब देखिए अगर आउटसाइड tan इनवर्स लिखा तो इनसाइड भी क्या होना चाहिए, tan ही तो होना चाहिए तभी तो सॉल्व हो पाएगा। यानी कि यहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे x = tan थीटा,
इक्वल टू टैन इनवर्स 2 टैन थीटा होल अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ये बन जाएगा हमारा टैन 2 थीटा, y को टैन इनवर्स टैन कैंसिल यानी कि 2 थीटा। अच्छा यहां से अगर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करें तो यहां से जो थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, टैन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू यहां y इक्वल टू 2 टैन इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दें dy अपॉन dx, 2 तो ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इस पूरे क्वेश्चन का। tan थीटा का फार्मूला तो देखिए याद है, तो क्वेश्चन तो बिना सब्स्टिट्यूशन के, मतलब सब्स्टिट्यूट तो किया मैंने लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था। अगर आप चाहें तो अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट मालूम हो कि tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर जो है 2 tan इनवर्स x होता है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता था। अब यहां पे फिलहाल ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए मैं इसको कहूंगा क्योंकि यहां पे फार्मूला फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, फार्मूला ही तो फॉर्म हो रहा है। चलिए इसी को हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें 1 माइनस 2x स्क्वायर क्वेश्चन हमारा y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा सबसे पहली चीज तो आप इस बात को ध्यान दें कि अगर आउटसाइड cos इनवर्स है तो इनसाइड भी cos ही होना चाहिए, अगर आउटसाइड tan इनवर्स x है तो इनसाइड भी tan होना चाहिए, तभी तो आप उसको रिमूव कर पाएंगे, अदरवाइज तो रिमूव होगा नहीं क्योंकि tan इनवर्स tan x ही x होता है। हाँ बस कुछ कंडीशंस होती हैं कि x कहां से कहां होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल हमको ध्यान नहीं देना है, हम लोग बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब डोमेन इसमें सेट है पहले से, उस पर आप टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पे क्या ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो कि cos थीटा का फार्मूला एक होता है इस तरीके का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग यूज कर लें। तो यहां पे कर लें क्या, x इक्वल sin थीटा, यहां प्लॉट कर दें, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल आ जाएगा 2 sin इनवर्स x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy अपॉन dx तो क्या आ जाएगा, 2 आउटसाइड dy dx ऑफ sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 into 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 into 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यही हमारे लिए आंसर आ गया। देखिए मैंने क्या किया, x की जगह sin थीटा पुट किया, क्यों, क्योंकि ये वाला फार्मूला था हमारे पास, तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल आ जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin इनवर्स x, डिफरेंशिएट क्या हो, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम लोग एक चीज और देखें, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y इक्वल टू sin इनवर्स 3 sin x, 3x लिखा हुआ, सॉरी 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर x की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं sin थीटा, या अगर आपको ध्यान दें पहले तो sin थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। माइनस
माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अच्छा देखिए बेटा, जैसे ही आपने पुट किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आउटसाइड साइन इनवर्स तो अंदर भी साइन होना चाहिए, आउटसाइड कॉस इनवर्स तो इनसाइड भी कॉस होना चाहिए। मतलब जैसा फंक्शन बाहर है इनवर्स है जिस चीज का, उसी का फंक्शन अंदर होना चाहिए, तभी तो आप इनवर्स हटा पाओगे, अदरवाइज तो इनवर्स हटेगा ही नहीं। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर ले साइन इनवर्स एक्स मान करके, मतलब एज ए चेन रूल इसको एक्स मान ले, परेशान हो जाएंगे, आंसर आपका मैच नहीं करेगा, बहुत ज्यादा टाइम देंगे आप उसमें, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर भी ना मैच करे। तब जैसे यहाँ पर है तो वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये बनेगा जाकर के हमारा साइन थ्री थीटा, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, y इक्वल टू 3 sin इनवर्स x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है dy / dx, 3 तो ठीक है sin इनवर्स x का आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, यही हमारे लिए क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लेक्चर 1-10 देखने चाहिए, डिफरेंशिएशन को बेसिक से लेकर के पूरे कंप्लीट, जितना पैरामेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, इनफाइनाइट से सारे टॉपिक कवर किए मैंने। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमें देखना चाहिए, अगर कॉस है तो भी कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस में इस तरीके का कोई फार्मूला होता नहीं, फिलहाल साइन में होता है, और साइन में होता है तो साइन को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 टैन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो पुट x इक्वल टैन थीटा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टैन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अच्छा देखिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स तो अंदर भी कॉस होना चाहिए, तभी तो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। साइन को कॉस बदलने का एक सबसे जो बेस्ट मेथड है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो आप उसका यूज करें इसको। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अरे y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर ले tan इनवर्स, तो y इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करें इसको dy / dx क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का 0 माइनस का 2 * 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर हो जाएगा कि dy / dx क्या हो जाएगा, माइनस 2 होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये तो डायरेक्ट फार्मूले वाले सब्स्टिट्यूशन है, मैंने बिना फार्मूले वाले सब्स्टिट्यूशन ले रखे हैं जो स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्ट होने में मैंने आपको बताया। चलिए उसके भी क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे एक ये क्वेश्चन, ये भी फार्मूले का ही क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे पता है कि cos 2 थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भी एक फार्मूला होता है हमारा। अरे फार्मूले को देख करके ही आपको अंदाजा लगाना है कि क्या आपको सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए। अब जैसे यहां पे दिया गया y इक्वल
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स की जगह आपको क्या लेना है, टैन थीटा लेना है, तो जरा टैन थीटा ले लें। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये बनेगा क्या करें, कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, यानी कि टू थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स टैन इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एज इट इज टैन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। टू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले के ही उससे सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है तो हम मान के चलिए ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी सी कमजोर है, आप उसमें स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो आपको क्लास 11 के प्लेलिस्ट देख लेनी है ट्रिग्नोमेट्री की। पूरे लेक्चर्स में पढ़े हुए जितने भी होते हैं 14-15 लेक्चर्स, बेसिक से लगा करके पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तक के उसमें लेक्चर आपको बोर्ड लेवल के मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो क्लास 11 के लेक्चर आरटी एकेडमी ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास। जैसे एक क्वेश्चन ये साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो साइन 2 थीटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया था साइन ए प्लस बी की हेल्प से, अभी तो फिलहाल इस तरीके से डायरेक्ट लिखी है। अब अगर आप चाहें जैसे y इक्वल टू क्या दिया गया, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, साइन थीटा। साइन थीटा जरा आपको यहां पुट कर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सिंपल तरीके से dy by dx, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो यही आपके लिए आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपके लिए कंप्लीट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी आइडेंटिटी को हमने यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। ऐसे ही टैन और कॉट के साथ होता है फॉर्मूला सेम, क्यों, साइन का डिफरेंस आता है माइनस, जितने भी सी वाले में नेगेटिव आता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, अब इसके लिए आपको टैन थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे टैन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ये हमारे लिए फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले का यूज से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, y इक्वल टैन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x की जगह यहां पे हम लोग पुट कर लेंगे टैन थीटा, टैन थीटा जरा पुट कर दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स
tan theta minus tan cube theta whole upon 1 minus 3 tan square theta y equal to tan inverse tan 3 theta. tan inverse and tan cancel, क्या आ जाएगा 3 theta. 3 tan inverse x. अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 3 तो ठीक है, tan inverse x का आ जाएगा 1 upon 1 plus x square. यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. इसको जब अगर बस कल फॉर्मूले के यूज से बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया. अच्छा, देखने से ही समझ में आ रहा था कि देखिए लिखा हुआ 3x यानी कि 3 tan थीटा minus tan cube थीटा whole upon 1 minus 3 tan square थीटा. अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो क्वेश्चन देख करके आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन हमें क्या लेना चाहिए. तो चलिए हम लोग इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या आएगा हमारे पास. एक ये क्वेश्चन sec inverse. तो सबसे पहली बात इसको हमें बदल लेना चाहिए cos inverse में. तो cos inverse क्या हो जाएगा, 4x cube minus 3x. मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि ये सब डोमेन एडजस्टेड क्वेश्चन है, इसमें आपको इस बात का ध्यान अभी नहीं देना है फिलहाल, क्योंकि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. तो इस चीज पे अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे कि डोमेन इसमें क्या रही होगी, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, इस चीज पे हमें ध्यान अभी फिलहाल नहीं देना है. तो यहाँ पे cos inverse अगर आउटसाइड है तो cos बनना चाहिए. तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा, 4 cos cube थीटा minus 3 cos थीटा. ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है. अब इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है. तो पुट x equal to cos थीटा पुट कर दें, y equal cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta. तो y equal cos inverse cos 3 theta. cos inverse cos cancel यानी कि 3 theta. 3 cos inverse x differentiate कर दें तो 3 तो outside और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस वन होल अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. यही क्या आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर, माइनस थ्री होल अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. और इसी को हम लोगों ने सीधे सीरियल वे में सॉल्व कर लिया. बस मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप जो था कि sec इनवर्स गिवन था उसको मैंने cos में चेंज किया. डोमेन के लिए परेशान नहीं होना, ये डोमेन एडजस्टेड क्वेश्चन है, पहले से डोमेन ऑलरेडी सेट है. आपको ये नहीं ध्यान देना कि 1 से ग्रेटर कि 1 बाय रूट 2 से आगे क्या कुछ नहीं, अभी केवल बोर्ड लेवल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. जब जेई की क्लास होगी तो उसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहां से थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है. अब जैसे आपने ध्यान दिया होगा जो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, तो मैंने वहां पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे. आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पीछे से देख भी सकते हैं, नोट्स बनाए होंगे आपने. मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर तो देखते ही रहे, साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं. प्रॉपर नोट्स होने चाहिए ताकि आपको जब रैंडम नीड हो किसी चीज की तो आप उसको देख सके. अब जैसे यहां पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या लेना, या तो ये साइन थीटा या तो ये कॉस थीटा. अब जैसे मैं फिलहाल यहां पर क्या कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू में ले रहा हूं ए साइन थीटा और मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूं थीटा की जो वैल्यू आएगी एक्स अपॉन ए और फिर साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मिलेगा आपको. इसकी नीड तो पड़ेगी बाद में, इतने सारे क्वेश्चन अभी किए हैं. तो y equal tan inverse अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आएगा, a sin theta whole upon under root a square minus a square sin square theta. y equal to tan inverse a sin theta whole upon a cos theta. a से a कैंसिल हो जाएगा, y equal tan inverse
टेन थीटा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू आएगी क्या ओवरऑल, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप इसको अपने मन में समझ लो कि ये एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और फर्दर डेरिवेटिव आप किसका करोगे फिर, एक्स अपॉन ए का। तो अगर यहां पर एलसीएम ले लिया जाए तो ए स्क्वायर रूट तो लगाइए इनटू में ए आ जाएगा और यहां पर वन अपॉन ए आ जाएगा। तो यहां पे जो dy अपॉन dx आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो आप फिलहाल इस तरीके का आंसर क्यों नहीं ला पाते, और अगर एग्जैक्ट प्रूविंग में कह दिया जाएगा तब आपको यही करना ही पड़ेगा भाई, प्रूफ करके आना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्स मान करके लेट करके डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इवन आंसर भी बाद में नहीं आता है। तो आपको ध्यान देना कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है या नहीं है यूज करना है, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करेंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं इसमें। एक ये क्वेश्चन है जैसे कॉस इनवर्स, अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर आप ध्यान दें कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिलहाल कर देते हैं क्योंकि थीटा है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मैं लेट करूंगा x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी आएगी, पहली बात तो कॉस इनवर्स आएगा, तो कॉस इनवर्स x, तो बनेगा 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 कॉस इनवर्स, इसकी नीड पड़ेगी तो मैंने पहले से लिख लिया। तो y इक्वल कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो कॉस इनवर्स x है कॉस स्क्वायर, उसके अंदर तो रूट लगा है, और कोई चीज अगर रूट के बाहर आएगी तो रूट तो रिमूव करेगा ही करेगा, तो स्क्वायर वैल्यू आई जाएगी कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो y की वैल्यू आएगी थीटा, थीटा की वैल्यू वहां से लिख दें 1/2 कॉस इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो ठीक है जाएगा माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, यही हमारा आंसर आ चुका है इसका। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन और मैंने ले रखा है ये, अब यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ लेट करना ही पड़ेगा, तो देखते हैं क्या लेट करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा, तो या तो ए टैन थीटा या तो फिर ए कॉट थीटा, तो मैं ए टैन थीटा लेट कर रहा हूँ, एक्स इक्वल ए टैन थीटा, और अगर यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, ये आ जाएगा आपका टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो जरा इसको पहले बात तो सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल साइन इनवर्स ए टैन थीटा होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो y इक्वल टैन साइन इनवर्स ए टैन थीटा, और ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो सेक थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा कॉस से कॉस हमारा कैंसिल वाई इक्वल साइन इनवर्स साइन थीटा तो साइन हट जाएगा तो क्या आएगा थीटा थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम तो वाई इक्वल तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आपको यहां पर डिफरेंशिएशन कर देना है तो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और फर्दर डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका एक्स अपॉन ए का तो एक्स का तो वन हो जाएगा यहां पर एलसीएम लेगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए एस ए कैंसिल यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा ए होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, मैंने सब्स्टिट्यूट किस तरीके से किए, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने आईटीएफ में भी किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर, अपना ध्यान रखें, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।